हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का न्यूज खास नहीं, बहुत खास है फॉर ऑल एसआरके फैंस एंड ऑल मूवी लवर्स, क्योंकि डंकी का टीजर बहुत जल्द आ रहा है, विच इज अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। क्योंकि अभी तक हम लोगों को पता था कि डंकी का टीजर सलमान खान जी के मूवी टाइगर 3 के साथ रिलीज होगा, लेकिन दोस्तों हालात बदल चुके हैं। ऑन नवंबर 2nd, जिस दिन शाहरुख खान जी का बर्थडे है, उसी दिन ये टीजर रिलीज होगा। इसका लेंथ आइदर 1 मिनट 49 सेकंड होगा या फिर 58 सेकंड होगा। एक्चुअली डंकी टीजर का दो वर्जन डेवलप किए गए हैं, जिसमें से एक का लेंथ है 58 सेकंड एंड दूसरे का लेंथ है 1 मिनट 49 सेकंड। दोनों टीजर वर्सन को सीबीएफसी ने यू सर्टिफिकेट देकर पास कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है कि कौन सा वर्सन हम लोगों को दिखाया जाएगा, 58 सेकंड वाला या फिर 1 मिनट 49 सेकंड वाला। वैसे टीजर का पता हमें नवंबर 2nd शाम को पता चल जाएगा, क्योंकि नवंबर शाम को एक इवेंट हो रहा है फिर मुंबई, जिसमें शाहरुख खान होस्ट नजर आएंगे और वहीं पे इस टीजर को पहली बार पब्लिकली दिखाया जाएगा। और फिर उसके बाद डंकी का टीजर दोबारा सलमान खान कैटरीना कैफ स्टार मूवी टाइगर 3 के साथ भी चलाया जाएगा इन थिएटर, और यहीं पर डंकी मूवी का प्रमोशन खत्म नहीं, बल्कि आप लोग कह सकते हो शुरुआत है, क्योंकि यही टीजर तीसरी बार आप लोगों को वर्ल्ड कप फाइनल में भी देखने को मिल सकता है। और यहीं पे आप लोग एक चीज मार्क कर सकते हो कि डंकी मूवी का प्रमोशन बहुत सीरियसली और बहुत इफेक्टिव वे में विद प्लानिंग के साथ चल रहा है, और सुनने में आ रहा है इस मूवी का स्टोरी बेहतरीन से बेहतरीन होने वाला है। अगर ये बात सही है ना दोस्तों, तो जवान मूवी का रिकॉर्ड खतरे में और शाहरुख खान जी का नया रिकॉर्ड ऑन द वे। अच्छा दोस्तों, आई होप आज का खबर न्यूज जो भी है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आई होप सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय।